हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं नारियल की चटनी। वैसे तो ये नारियल की चटनी जो पानी वाला नारियल आता है उससे बनती, पर मैं आपको आज ये जो गरी का गोला घर में हमारे होता है उससे बनाना बताती हूँ। 5 मिनट के लिए पानी डालकर ऐसे कट करके इसको ढककर रख देंगे। इसके बाद में एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच चने की दाल डालेंगे। चने की दाल देखिए मैंने इस चम्मच से ली थी, और इसको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए ये भून जाएगी तो इस कलर की हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अपनी नारियल को चेक करना है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और नारियल को चेक करेंगे। देखिए नारियल भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं 5 मिनट में ही। 4 हरी मिर्च लेंगे और मिक्सर जार में 1 टुकड़ा अदरक का, 4 हरी मिर्च और ये दाल डालकर और जो नारियल था वो डाल देंगे। नमक डालेंगे और 1 चम्मच दही डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे देखिए। और फिर तड़का पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे, उसमें लाल मिर्च और हींग और करी लीव्स, और फिर इसमें हम मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे, जो राई होती है जिससे मकरा राई कहते हैं वो। बस इसको इसमें ऐसे ही चला लेंगे। रेडी है हमारी नारियल की चटनी, सुपर टेस्टी। और ये चटनी आप डोसे के साथ खाइए, बड़ा के साथ खाइए, चीला के साथ खाइए, और इडली के साथ भी ये बहुत सुपर टेस्टी लगती है। देखिए मेरी इडली भी कितनी सुपर स्पंजी बनी है। अगर आपको इस इडली की रेसिपी चाहिए तो मैं इडली की रेसिपी भी आपको जल्दी दूंगी।